हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे काफ़ी लोगों की छोटी आईब्रो होती है और वो चाहते हैं कि हमारी आईब्रो लॉन्ग दिखाई दे, तो छोटी आईब्रो को आप किस तरीके से लॉन्ग कर सकते हैं। तो आप इनकी आईब्रो की शेप देख रहे हैं, तो आगे से इनकी काफ़ी थिक आईब्रो है और बैक साइड से इनके काफ़ी कम है। आप किस तरीके से आप आईब्रो को शेप देंगे जिससे कि आपकी आईब्रो थोड़ी सी लॉन्ग भी लगे और अच्छी भी लगे फेस पर। तो आप इनकी आईब्रो देख रहे हैं, तो आईब्रो बनाने से पहले सबसे पहले हमने आईब्रो पाउडर लगा लिया है और उसके बाद जो फ्रंट के आईब्रो के बाल बड़े हुए थे उसको हल्की सी सीजर से कट कर दिया है। उसके बाद थ्रेड से हम थोड़े थोड़े से बाल ऊपर की साइड से निकालेंगे। हमें ऊपर से ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं क्योंकि शेप भी आनी चाहिए। और जो बिगनर्स हैं जिनको आईब्रो वगैरह बनाना नहीं आता है तो वो चैनल पर चेक कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो आईब्रो वगैरह की अपलोड की हुई हैं कि आपको थ्रेड किस तरीके से पकड़ना आना चाहिए, किस तरीके से आपको राउंड शेप देनी चाहिए आईब्रो को, किस तरीके से आर्च आकार की आईब्रो बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको थोड़ी पतली आईब्रो जैसे कस्टमर मांगते हैं उस हिसाब से बनानी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और सेल्फ़ आईब्रो आप किस तरीके से कर सकते हैं या सेल्फ़ अपर लिप किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल पर ज़रूर चेक करें। अब देखिए, हमने आईब्रो के जैसे ऊपर के जो छोटे छोटे से हेयर थे वो हमने हटा दिए हैं थ्रेड की मदद से। अब हम नीचे के बालों को देख रहे हैं। आप इनकी आईब्रो देख रहे हैं, काफ़ी छोटी लग रही है और अभी जब इनकी आईब्रो बनेगी तो आप देखेंगे। तो ये देखिए, अब हमें इस तरीके से बैक साइड से थोड़े थोड़े से बालों को हटाना है। जो बिगनर्स हैं तो पहले उन्हें थोड़े हल्के हल्के बालों को हटाना चाहिए, एकदम सारे बालों को नहीं हटाना चाहिए। एक एक दो दो बाल फंसा कर ही उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कई बार ऐसे कस्टमर वगैरह भी आते हैं या आप जिसकी आईब्रो वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी तरीके के कस्टमर वगैरह होते हैं जिनकी आईब्रो छोटी होती है या काफ़ी हैवी आईब्रो होती है, या काफ़ी लोग लॉन्ग आईब्रो चाहते हैं, कई काफ़ी लोग मोटी आईब्रो चाहते हैं। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे उनकी आईब्रो की लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वो आईब्रो चाहते हैं। तो जैसे अब इनकी आईब्रो काफ़ी छोटी है, लेकिन इनकी आईब्रो इन्होंने कहा है कि थोड़ी सी पतली भी करनी है जिससे कि इनकी आईब्रो थोड़ी सी लॉन्ग भी लगेगी। तो आप इस तरीके से थ्रेड से पहले जो हमारे आईब्रो के नीचे के हेयर हैं उसको हटाएंगे और आप बैक साइड से पहले आईब्रो बनाना शुरू करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं जिन्हें आईब्रो वगैरह बनाना नहीं आता है, क्योंकि जैसे जो पार्लर वगैरह का कोर्स करते हैं तो उन्हें आईब्रो अपर लिप फोरहेड वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी आना चाहिए। अब देखिए, हमने बैक साइड से सारे बालों को हटा लिया है, फिर अब हम फ्रंट के बालों को धीरे धीरे से करके हटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही आराम से आप, बहुत ही आसान तरीके से आप आईब्रो वगैरह बनाना सीख सकते हैं। तो बहुत धीरे धीरे से हमें अपने हैंड को चलाना है। अब देखिए, और हमें स्ट्रेच टाइट से करवाना है, क्योंकि जितना स्ट्रेच अच्छा होगा उतनी ही आपकी आईब्रो में फिनिशिंग भी आएगी और जैसे कट वगैरह लगने का डर भी नहीं रहता है। अब जैसे ये भी कभी कभी आईब्रो वगैरह बनवाती हैं तो कई बार टाइट से स्ट्रेच वगैरह नहीं कर रही हैं, कई बार बीच में छोड़ देती हैं, तो ऐसे कट लगने का डर रहता है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा और है तो उससे आप स्ट्रेच करवा सकते हैं। अब देखिए, जैसे अभी इनकी थोड़े से बड़े हुए बाल हैं, फिर हमने फ्रंट से हटा दिए हैं और अभी इनकी शेप थोड़ी सी और करनी है, क्योंकि अभी शेप थोड़ी सी दिख नहीं रही है। अब जैसे ये ऊपर की हल्की सी नोक निकली हुई थी इसको भी हमने हटा दिया है, क्योंकि इनके बाल जो हैं काफ़ी हल्के हैं, काफ़ी लाइट बाल हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप आईब्रो, शॉर्ट आईब्रो को किस तरीके से लॉन्ग दिखा सकते हैं, तो आप देखेंगे। और जो बिगनर्स हैं, अगर थ्रेड वगैरह से नहीं निकलते हैं तो आप इस तरीके से आप प्लकर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी एक आईब्रो बन गई है और अभी हम पहले दूसरी आईब्रो बना लें, फिर दोनों को फिनिशिंग बाद में देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी आईब्रो भी बनाएंगे और टाइट से स्ट्रेच कराना है, क्योंकि जितना अच्छा स्ट्रेच करेंगे उतनी अच्छी आईब्रो की शेप आएगी। अब देखिए, जैसे ही बार बार छोड़ रही हैं तो इसमें कट लगने का भी डर रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और फिर इसी तरीके से हम दूसरी आईब्रो बनाएंगे और जो छोटे छोटे से हेयर रह जाते हैं तो आप धीरे धीरे करके, जैसे जो बिगनर्स हैं तो बहुत ही धीरे धीरे आप आईब्रो वगैरह बनाना सीखेंगे। एकदम हमें आई थ्रेड वगैरह नहीं चलाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, हम दोनों आईब्रो इनकी बन गई हैं। अब हम एक बार फिर चेक करेंगे कोई छोटी बड़ी आईब्रो ना रह जाए। ये देखिए इस तरीके से। और फिर अब हम सेंटर के जो बाल वगैरह रहते हैं उसको भी अब हम क्लीन कर लेंगे, कोई एक आधा छोटा बाल रह जाता है तो उसको भी हम चेक करेंगे और थ्रेड की मदद से
अब हमने जो छोटे छोटे से बाल कई बार रह जाते हैं तो उसको भी अब हम क्लीन कर लेंगे। तब आप इनकी आईब्रो की शेप देख सकते हैं, ये देखिए ये इनकी बिफोर की शेप है आईब्रो की और ये इनकी आफ्टर की शेप है, ये देखिए। और अब इनकी जो आईब्रो है वो लॉन्ग भी लग रही है और इसी तरीके से जब ये बनवाती रहेंगी तो इनकी आईब्रो की ग्रोथ भी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।